हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल का जो बॉर्डर होता है उसकी चौड़ाई कैसे बढ़ाते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं, हमने ये टेबल जो है वो क्रिएट की हुई है। इसके बॉर्डर की चौड़ाई बढ़ाने के लिए हमको जाना है ऊपर के रिबन में होम टैब पे। ये रहा होम टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ फॉन्ट वाले सेक्शन में आ जाइए। और यहाँ पर देखिए, ये छोटे से एरो पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। फॉन्ट सेटिंग यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल का ही देखिए विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर कई सारे ऑप्शन है, हमको क्लिक करना है बॉर्डर पे, ठीक। बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद चौड़ाई बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पर जाना है स्टाइल वाले ऑप्शन में। तो हमने अपनी ये वाला, मान लीजिए ये इतनी चौड़ाई वाला जो बॉर्डर है वो सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, आपको सिर्फ आउटलाइन चाहिए तो सिर्फ इसको सेलेक्ट करिए, और आप चाहते हैं कि बीच वाले बॉर्डर की भी मोटाई जो है वो, मतलब चौड़ाई जो है वो बढ़ जाए बॉर्डर की, तो आपको ये भी सेलेक्ट करना होगा। तो आप देख रहे हैं, दोनों का सैंपल आपको यहाँ पे दिखा रहा है, कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि सारे बॉर्डर की जो चौड़ाई थी वो बढ़ गई।